महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी, यानी इस अवधि में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या 5 से अधिक लोग समूह में आवाजाही नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार देर शाम जारी नए आदेश 10 जनवरी से लागू हो जाएंगे। इनके मुताबिक मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और नाटक घर 50% क्षमता के साथ शुरू रखे जा सकेंगे। स्कूल महाविद्यालय 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। कोचिंग केवल कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुली रहेंगी। अन्य गतिविधियों के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। खेलकूद गतिविधियों के लिए स्टेडियम में दर्शक नहीं आ सकेंगे। खिलाड़ियों को बायो बबल में रहना पड़ेगा। खिलाड़ियों और अधिकारियों को हर 3 दिन में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट कराना होगा। UPSC परीक्षा के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य में MPSC समेत जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हॉल टिकट वितरित किए जा चुके हैं उनका ही आयोजन होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।